सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मीना बोल रही हूँ। आज मैं आपके सामने एक नए जोश और उल्लास के साथ, एक नए अध्याय के साथ फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम करेंगे अपना नया अध्याय कारक। कौन सा करने वाले हैं हम? कारक। ठीक है, कारक क्या होते हैं? संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाए, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसके साथ पता चलता है, क्रिया के साथ किस प्रकार का संबंध है, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए, उसे हम क्या कहेंगे? कारक। फिर आता है भी कारक क्या होते हैं, कारक के अंदर क्या क्या आता है। कारक में जैसे परसर्ग होते हैं, कारक का दूसरा हम ले सकते हैं परसर्ग होते हैं, उसमें विभक्ति होती है, उसमें चिन्ह होते हैं। कारक में क्या होता है? कारक के अंदर चिन्ह होते हैं, विभक्ति, परसर्ग, ये आते हैं। पर दूसरा, पर यानी के पर क्या होता है? पर पीछे, पर क्या हो जाएगा? पीछे। सर्ग जुड़ना, सर्ग क्या होगा? जुड़ना, सर्ग जुड़ना, पर सर्ग क्या हो गया, यानी कि उसके पीछे जुड़ना। ठीक है, यानी कि कारक के अंदर यदि चिन्ह ना हो, विभक्ति नहीं हो, पर सर्ग नहीं हो, तो उसका कोई भी मतलब नहीं बनता। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाए, उसे हम क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। फिर आता है हमारा कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक कौन सा होता है हमारा? सबसे पहले आता है हमारा कर्ता। कर्ता के साथ कौन सी क्रिया होती है? दूसरा नंबर होता है हमारा, दूसरे पे कौन सा आता है? कर्म। पहले पे कर्ता, दूसरा कर्म। कर्ता पर सर्ग बोल सकते हैं हम इसको, या बताया था ऊपर क्या बोल सकते हैं हम इसको, विभक्ति भी बोल सकते हैं। कर्ता के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं हम? ने विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, या नहीं भी आती है। दूसरा है हमारा कर्म, कर्म में को विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। उसके पश्चात तीसरे नंबर पर आता है हमारा, सबसे पहला आया हमारा कर्ता, दूसरा पे आया हमारा कर्म, तीसरे पे हमारा कौन सा आता है? कर्ण। कर्ण कारक, कर्ण कारक क्या होता है? कर्ण कारक में हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। से या के द्वारा, से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, यानी के साधन के रूप में। कर्ण कारक में किसका प्रयोग होता है? साधन के रूप में। कर्ण कारक का प्रयोग किस में करेंगे हम? साधन के रूप में। फिर आता है हमारा संप्रदान। संप्रदान क्या होता है? संप्रदान में कौन सी भक्ति का प्रयोग करेंगे? संप्रदान के लिए। अपादान, अपादान, अब देखो अपादान में भी क्या आ गया? से। लेकिन यहाँ पर किसके लिए था? यहाँ पर साधन के रूप में था, लेकिन यहाँ पर अलगाव के लिए, यानी कि किसी वस्तु का किसी वस्तु से अलग होने के लिए, जहाँ पर से विभक्ति का प्रयोग हो, वहाँ पर कौन सा कारक होगा हमारा? अपादान कारक। फिर आता है हमारा छठा, है हमारा संबंध कारक। छठा हमारा कौन सा आ जाएगा? संबंध कारक। संबंध कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? का, के, की, रा, रे, री, ये विभक्ति लगेंगी। का, के, की, रा, रे, री, ठीक है, का, के, की, या, रा, रे, री विभक्ति का प्रयोग होगा। उसके पश्चात हमारा आता है अधिकरण कारक। उसके पश्चात कौन सा आया हमारा? अधिकरण। अधिकरण कारक में क्या होगा? अधिकरण में या पर, में या पर। फिर आता है हमारा आठवां कौन सा है? संबोधन। संबोधन हे अरे, यानी कि पुकारने के लिए हम संबोधन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, संबोधन में क्या आएगा? हे, अरे, ओ, ये वाले, यानी कि किसी को पुकारना हो तो कौन से का प्रयोग करेंगे हम? विभक्ति का। हे आ गया, अरे आ गया, ओ विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, इसके पश्चात सबसे हमने कौन से किए हैं? कारक क्या होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है हमारा कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, अपादान के बाद संबंध, फिर अधिकरण, और फिर कौन सा आ गया हमारा? संबोधन। अब हम सबसे पहले हमारा पहला करेंगे कौन सा था हमारा? कर्ता कारक।
कर्ता कारक में क्या था, ने विभक्ति का प्रयोग हमने किया था, कर्ता कारक ने विभक्ति का प्रयोग। जैसे अभय ने पत्र पढ़ा, अभय ने, तो ये क्या आ गया, ने विभक्ति पत्र पढ़ा। यहाँ पर अभय ने किसने पढ़ा, अभय ने, किसने या कौन का उत्तर जहां पर हमें मिल जाता है, किसने या कौन, तो वो कौन सा होगा हमारा कर्ता कारक। किसने पत्र पढ़ा, अभय ने। सीता गाना गा रही है, जैसे हम लिख दें सीता खेल रही है या गाना गा रही है, कुछ भी लिख सकते हैं, खेल रही है। अब हम कहें कि कौन खेल रहा है, कौन का आंसर हमें मिला है यहाँ पे, कौन खेल रहा है भाई, सीता, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखो, यहाँ भी विभक्ति का प्रयोग नहीं है, लेकिन मैंने बताया था आपका ने हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर किस, किसने, किसने का उत्तर यदि हमें मिल रहा है तो कौन सा है हमारा कर्ता कारक, और कौन का उत्तर भी जहाँ हमें मिल रहा है वो भी क्या होगा हमारा कर्म, सॉरी ये कर्ता कारक, ठीक है। किसने या कौन का उत्तर जहाँ पर हमें मिलता है वहाँ पर कौन सा कारक होता है हमारा कर्ता कारक। जैसे शब्द का वह रूप जिससे क्रिया करने वाले का बोध होता है, शब्द का वह रूप जिससे क्रिया करने वाले का बोध होता है, क्रिया करने वाला कौन है यहाँ पे, यहाँ पे क्रिया करने वाला हमारा अभय है और कौन है, सीता है। तो ये क्या है हमारे कर्ता, कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसके पश्चात हमारा है कर्म कारक, उसके पश्चात हमारा कौन सा आ गया, कर्म कारक। कर्म कारक कौन सा होता है, कर्म कारक जिस शब्द यानी के संज्ञा सर्वनाम पर क्रिया के व्यापार का फल कर्ता कर्म पर पड़ता है, क्रिया के व्यापार का फल फल पड़ता है, अथवा जिस काम को कर्ता करे, यानी के जिस काम को कर्ता करे वह कर्म कारक कहलाता है। जिस शब्द यानी के संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, यानी कि किसके ऊपर पड़ता है, कर्म के ऊपर पड़ता है, वह कौन सा होगा हमारा कर्म कारक। जैसे मोहन खाना खा रहा है, जैसे मैं कह दूं मोहन खाना खा रहा है, अब क्या खा रहा है, क्या का आंसर जहाँ पे मिल जाए हमें, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होगी हमारी, को, ठीक है। क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, मोहन खाना खा रहा है, तो हमें यहाँ पर कर्म है, यानी कि कर्म दो प्रकार से भी हो सकता है, एक जैसे क्या का आंसर हमें मिला या किसको का आंसर यदि हमें मिलता है तो क्या आएगा उसमें, कर्म कारक होगा। क्या या किसको का आंसर जहाँ पे हमें मिलता है वहाँ पे कौन सा कारक माना जाता है हमारा, क्या या किसको का आंसर मिले तो हमारा कर्म कारक होता है। जैसे माँ किसको उठाती है, माँ ऐसे बोल देते हैं, माँ सोहन को उठा रही है, उठा रही है। पहले में हमने किया क्या खा रहा है, क्या खा रहा है भाई, वो खाना खा रहा है, तो कर्म क्या हो गया यहाँ पर, खाना। किसको उठा रही है, सोहन को, किसको उठा रही है भाई, सोहन को, तो कर्म में क्या हो गया, सोहर कर्म कारक हो गया, ठीक है। उसके पश्चात आता है हमारा कर्ण कारक, तीसरे नंबर पे हमारा कौन सा था, कर्ण कारक। कर्ण कारक की विभक्ति हमारी क्या थी, विभक्ति या परसर्ग हम जिसको बोलते हैं, से विभक्ति थी कर्ण कारक में। जैसे कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है, कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है उसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कारक कहते हैं, यानी कि साधन के रूप में जहाँ पर से विभक्ति का प्रयोग होता है वहाँ पर कौन सा कारक होता है, कर्ण कारक। जैसे सीता ने चटनी से रोटी खाई, सीता ने चटनी से रोटी खाई, किससे खाई भाई, यानी कि साधन क्या हुआ यहाँ पर, साधन क्या हो गया, चटनी से, किससे खाई है, चटनी से, तो साधन कर्ण क्या हो गया यहाँ पर, चटनी, ठीक है। साधन क्या हुआ, से चटनी से, किससे खाई है भाई, चटनी से रोटी खाई। राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा, किससे मारा है भाई, राम ने रावण को बाण से, किससे मारा, तो यहाँ पर बाण क्या हो गया, साधन हो गया। अब देखो रावण को किसको मारा भाई, तो यहाँ पर रावण में क्या है, कर्म कारक है, किसको मारा था, रावण को, किससे मारा, किससे, साधन आ गया ना, तो किससे मारा, बाण से मारा, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, किससे, बाण से, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा हमारा, कर्ण कारक। फिर आता है हमारा संप्रदान, संप्रदान किसके लिए प्रयोग करते हैं हम, संप्रदान विभक्ति कौन सी लगती है संप्रदान में, के लिए,
संप्रदान के लिए, किसके लिए? संप्रदान के लिए। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसको कुछ दिया जाए, जिसके लिए कार्य किया है, जिसको कुछ दिया जाए, जिसको कुछ दिया जाए, जिसके लिए कार्य किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, वहां पर कौन सा कारक होता है हमारा? संप्रदान कारक। जैसे माँ बच्चे के लिए स्वेटर बुन रही है, माँ बच्चे के लिए स्वेटर बुन रही है, यानी कि माँ किसके लिए स्वेटर बना रही है? बच्चे के लिए। तो यहाँ पर किसके लिए? बच्चे के लिए। तो ये क्या हो गया? संप्रदान, यानी कि किसी के लिए कुछ दिया जाए, किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए। जैसे नानी नातिन के लिए कपड़ा लाई, किसके लिए लाई भाई? नातिन के लिए। हमने अकाल पीड़ितों के लिए धन संग्रह किया, हमने किसके लिए? अकाल पीड़ितों के लिए क्या क्या धन संग्रह किया, यानी कि धन इकट्ठा किया। तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा हमारा? संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान में दान या उपकार का भाव मुख्य होता है। संप्रदान कारक में क्या होता है? दान या संप्रदान कारक में क्या होता है? या तो दान मुख्य होता है या उपकार, उपकार यानी के भलाई, या तो दान दिया हुआ या उपकार, भलाई मुख्य होता है। इसलिए के लिए की जगह पे यदि को चिन्ह आ जाए, तो यदि दान का भाव है तो वहां पर भी कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक, दान के लिए या उपकार के लिए। जैसे स्वामी जी ने भक्तों को प्रसाद दिया, भलाई की दान दिया, क्या दिया? रविंद्र ने सुधीर को दवाई पिलाई, यानी कि उसके लिए क्या किया? कुछ उपकार किया उसके ऊपर। क्या किया भाई? उसको बुखार हुआ था तो उसको दवाई दे दी, तो उसके लिए कुछ किया, तो उसके उपकार किया, उसके ऊपर भलाई की। तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक। ठीक है, तो दान या उपकार के लिए कोई भी व्यक्ति का भी प्रयोग हो सकता है, तो वहां पर कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। उसके पश्चात आता है हमारा अपादान कारक। अपादान, इसमें भी से विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ण कारक में भी से विभक्ति का प्रयोग हुआ था और अपादान कारक में भी से विभक्ति का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर किसके लिए आएगा? अलग होने के अर्थ में, यानी कि कोई वस्तु अलग होने के अर्थ में जहाँ पर से का प्रयोग होता है वहाँ पर कौन सा कारक होता है हमारा? अपादान कारक। जैसे संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होना पाया जाता है, एक वस्तु का किसी दूसरे से अलग होना पाया जाता है, वहाँ पर कौन सा कारक होता है? अपादान कारक कहलाता है। जैसे इसके विभक्ति कौन सी बताई थी? से। लेकिन इसके साथ साथ संप्रदान कारक में यदि सीखना बताया गया हो, तुलना बताई गई हो, डर हो, सीखना हो, तुलना हो, डर हो, सीखना हो जाए, तुलना बता दी जाए, डर हो, ईर्ष्या हो, सीखना, तुलना, डर, ईर्ष्या, घृणा, लज्जा, ये वाले शब्द भी यहाँ पर यदि हो जाए, घृणा हो, लज्जा हो, तो वहाँ पर भी कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। यानी कि अलग होने के अर्थ के साथ साथ जहाँ पर सीखना हो, तुलना हो, ईर्ष्या हो, घृणा हो, सीखना आ जाए, तुलना आ जाए, दूर आ जाए, ठीक है ना, ये क्या है हमारा? दूर। ईर्ष्या, घृणा हो, लज्जा हो, वहाँ पर भी कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, जैसे हमने कर दिया, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। देखो अभी यहाँ पर पेड़ से क्या है? पत्ते गिरते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई साधन नहीं है, यहाँ पर कोई माध्यम नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या है? पेड़ से पत्तों का अलगाव दिखाया गया है, अलग होना दिखाया गया है, ठीक है। और जैसे हम कह दें शशि राधा से सुंदर है, शशि राधा से सुंदर है, यानी कि तुलना की गई है किसकी? शशि और राधा की। तो उसमें से शशि जो है वो राधा से क्या है? सुंदर है, तो वहाँ पर तुलना की गई है। तुलना में भी क्या होगा? अपादान कारक होगा। जैसे राम सांप से डर गया, सांप से डर गया, यहाँ पर क्या है? डरना, डरना भी क्या है? अपादान कारक में आ जाएगा, ठीक है हा? और यहाँ दूरी हो, यानी कि विद्यालय घर से 5 किलोमीटर दूर है, यानी कि हमारा जो स्कूल है वो घर से कितनी दूर है? विद्यालय घर से, तो ये दूरी के लिए आ गया, घर से 5 किलोमीटर दूर है, तो दूरी के लिए भी क्या हो जाएगा यहाँ पर? कौन सा कारक आ जाएगा? अपादान कारक, ठीक है। फिर आता है हमारा संबंध कारक। फिर कौन सा आ गया हमारा?
संबंध, संबंध कारक, कौन सा आ गया? संबंध कारक। संबंध कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ पता चलता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से के साथ पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। जैसे इसका संबंध कारक की भी भक्ति कौन सी थी हमारी? का, के, की या रा, रे, री। ठीक है, संबंध कारक में यानी कि एक संज्ञा सर्वनाम का दूसरे संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध पाया जाता है। जैसे जैसे हम कह दें संदीप की बहन कल यहाँ आई थी, तो क्या है यहाँ पर की आ गया? किसका बताया गया है? संदीप की बहन का। किसका संबंध? संदीप की बहन का बताया गया है, संदीप का उसकी बहन के साथ संबंध बताया गया है, इसलिए संबंध कारक होता है। इसलिए यहाँ पर कौन सा कारक है? संबंध। हमारी पुस्तकें हमें दे दीजिए। रमेश के पिताजी डॉक्टर हैं। तो यहाँ पर रमेश का संबंध बताया गया है अपने पिताजी, रमेश के पिताजी क्या है भाई? डॉक्टर है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? उसका संबंध बताया गया है। तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा हमारा? संबंध कारक। उसके पश्चात आता है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है? अधिकरण विभक्ति क्या बताई थी हमने? में या पर, यानी कि जहाँ पर में या पर विभक्ति पाई जाए, यानी कि क्रिया के होने के स्थान को अथवा आधार को, यानी कि जहाँ पर क्या हो भाई? स्थान या आधार यानी कि बेस होना चाहिए, वहाँ पर कौन सा कारक होता है हमारा? अधिकरण कारक। यानी कि जहाँ पर क्रिया के होने के स्थान को अथवा आधार को हम क्या कहेंगे? अधिकरण कारक कहेंगे। जैसे दीवार पर चिड़िया बैठी है, कहाँ पर बैठी है? दीवार पर। दीवार पर चिड़िया बैठी है, कहाँ बैठी है? दीवार के ऊपर। दीवार पर पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में, कहाँ पर? आकाश में। तो ये क्या है? इसमें बेस है। बेस क्या है यहाँ पर? दीवार पर, आकाश में। कहाँ उड़ रहे हैं? आकाश में, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा हमारा? अधिकरण कारक। और हमारा लास्ट है कौन सा है हमारा? सबसे लास्ट हमारा आ गया संबोधन कारक, जो हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? पुकारने के लिए, जिसका संबोधन कारक, पुकारने के लिए जिस कारक का प्रयोग किया जाता है। शब्द के जिस रूप में किसी को संबोधित करने, बुलाने, पुकारने अथवा सचेत करने का भाव हो, यानी कि किसको बुलाया जाए या किसी को सचेत किया जाए, किसी को पुकारा जाए, वहां पर कौन सा कारक होता है हमारा? संबोधन कारक। और संबोधन कारक की विभक्ति क्या बताई थी? हे आ जाए, अरे आ जाए, ओ आ जाए, हे, अरे, ओ। तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? संबोधन कारक। जैसे अरे बच्चों, अरे बच्चों इधर आओ, तो यहां पर कौन सा कारक हो गया? संबंध कारक। अरे यह क्या कर डाला, अरे यह क्या कर दिया, अरे यह क्या कर दिया, तो यहाँ पर कौन, अरे ओ, ये वाले शब्द जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर कौन सा कारक होता है हमारा? संबोधन कारक। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या किया? कारक के बारे में जाना कि भाई कारक क्या होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, हमने ये सब जाना। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।